नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी होगा। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही अपने दिन को कैसे सफल बनाएं वो उपाय भी बताएंगे। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है, उनके साल भर का लेखा जोखा होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम स्वप्न शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे ऑटो इम्यून रोग से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, 12 मार्च 2023 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, स्वाति नक्षत्र चंद्रमा तुला राशि में। आज अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:55 तक, राहु काल सायं 4:59 से 6:28 तक। इस बीच कोई नया कार्य न करिएगा। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है। यदि किसी आवश्यक कार्यवश यात्रा करनी हो तो ओम हरि नमः मंत्र का जप करके घर से अवश्य निकलिए। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। आज भगवान सदाशिव वृक्षारूढ़ रहेंगे। तो आज का पंचांग यानी कि शुभ और अशुभ समय तो हमने जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर जानकारियां देंगे? जी, आज हम बात करेंगे कुंडली में ग्रहण योग। मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और राहु का ग्रहण योग किसे परेशान करता है, इसके साथ ही साथ परेशानियों से निजात दिलाने वाला महामंत्र भी बताऊंगा। तो आज के विषय पर हम आए आचार्य जी, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाग्य चक्र के अनुसार आपकी राशियों का हाल क्या है। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, भूम भवन के लिए किया जा रहा प्रयास आज सार्थक होगा। पूर्व में किए गए कार्य से धन प्राप्ति का भी स्पष्ट योग बन रहा है। आज के कार्य को कल पर बिल्कुल मत टालिएगा। सुंदर कांड का पाठ करिए, कम से कम 11 चौपाई पढ़िए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज रोजी रोजगार की दिशा में विशेष सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। आप आज नकारात्मक विचार मन में बिल्कुल मत लाइएगा। गाय को गुड़ और चना खिलाएं, दिन बहुत बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65, मंद का मीटर 85% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आज हम ग्रहण योग की बात करें तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये ग्रहण योग क्या होता है और इससे बचने के उपाय क्या होते हैं। जन्म के समय आपके जन्म कुंडली में यदि राहु और सूर्य एक साथ बैठ जाएं तो यह ग्रहण योग कहलाता है। यद्यपि चंद्रमा के साथ भी राहु ग्रहण योग बनाता है, लेकिन मूलतः सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव सूर्य और राहु के ग्रहण का प्राप्त होता है, इसलिए इस पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि यह योग बनता है तो निश्चित ही हानि पहुंचाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस योग के द्वारा प्राप्त होने वाले विनाशकारी परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि यह योग कुंडली के किस भाव में बन रहा है। देखिए दर्शकों, यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रहण योग लग्न में हो तो उस व्यक्ति का चेहरा निश्चित रूप से हमेशा मुरझाया हुआ लगेगा। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करने के साथ साथ स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ समस्या इनके साथ सदैव लगी रहती है। इससे बचने के लिए आपको नियमित सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाना चाहिए और भैरवाष्टक का पाठ करने से अद्भुत लाभ होता है। यदि द्वितीय भाव में ग्रहण योग बन जाए तो पारिवारिक अशांति, धन हानि, शिक्षा में हानि, सम्मान में कमी, नेत्र दोष, दुर्घटना आदि से संबंधित बहुत ही खराब परिणाम देता है। इससे बचाव है प्रत्येक शनिवार का व्रत रहिए
तथा सायंकाल ओम रांग राहवे नमः मंत्र का तीन माला जप करिए। यदि तृतीय भाव में ग्रहण योग हो तो पराक्रम के घर में बनने वाला ग्रहण योग यद्यपि बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं देता, लेकिन आलस्य की अधिकता दुस्साहसी बनाता है, भाई बहन के सुख में कमी पैदा करता है। इसे बचने के लिए शनिवार को भगवान शिव को काला तिल मिले हुए जल से अभिषेक करिए और सायंकाल ओम भैरवाय नमः मंत्र का एक माला जप करिए। यदि सुख के घर में ग्रहण योग हो तो सुख के घर में ग्रहण योग विनाशकारी परिणाम प्रदान करता है। बार बार दुर्घटना, माता एवं भूमि से संबंधित सुख में सदैव कमी, परिवार के सुख में कमी, निराशा का भाव पैदा होता ही रहता है। इससे बचाव के लिए शनिवार को भूरे या काले कंबल का दान करिए और सायंकाल ओम रांग राहवे नमः मंत्र का तीन माला अवश्य जप करिए। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं, सिलीगुड़ी से हैं विकास बंसल जी फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में विकास जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? हमारी तारीख है 29 नवंबर 1991। 29 नवंबर 1991। जन्म का समय क्या है? रात के 8 बजे। और जन्म का स्थान? जन्म किस जगह पर हुआ है? सिलीगुड़ी। क्या है सवाल आपका, पूछिए। मैं सीए कब बनूंगा, मेरी शादी कब होगी? ठीक है, तो आचार्य जी अपने करियर को लेकर चिंतित हैं विकास जी, और विवाह को लेकर भी। तो सीए और विवाह के योग कब के हैं जी? विकास जी, आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और जन्म के समय सिंह राशि है। वर्तमान में जो विवाह की स्थिति है, हम सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। आपके पत्नी के घर में ही बुध और राहु का युति है, जो विवाह में विलंब का संकेत देता है। ऐसे जातकों का विवाह उम्र के 32 वर्ष के पहले होना लगभग नामुमकिन होता है, और विवाह होने के बाद भी विवाह के सफलता की संभावना भी थोड़ी कम होती है। इसमें दो बातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तो आप टेम्परामेंट के ठीक व्यक्ति नहीं कहे जाएंगे, हर बात को अपनी ऊपर करने वाले, जिससे आपके जीवन साथी से तालमेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विवाह आपका इसी साल 2023 में 3 नवंबर 2023 के बाद योग शुरू हो रहा है, और बहुत ही उत्तम समय है विवाह को सुनिश्चित करने के लिए, और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो उसको सफल बनाने के लिए आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और ओपल 10 से 11 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर तर्जनी उंगली में शुक्रवार की सायंग धारण करिए। तो विकास जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा, उन उपायों को जरूर अपनाएं। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय, स्थान हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य के ग्रहण योग हैं तो उसकी खास जानकारी भी आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं अगली तीन राशियों का हाल भाग्य चक्र के अनुसार। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? मिथुन राशि, विवाह के सुनिश्चित होने का आज पूरा लक्षण स्पष्ट हो रहा है। साथ ही साथ धन के लाभ के साथ साथ नौकरी में सम्मान वृद्धि का भी योग बन रहा है। आज के दिन मांसाहार करने से बचिएगा। आज गरीबों में अन्न का दान करके दिन को और लाभकारी बनाइए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आज आपके विदेश जाने के मार्ग में जो अवरोध बन रहे थे वो आज समाप्त होंगे, और जो बकाया धन था उसका भी मिलना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज आपको दूसरे की भावनाओं पर विशेष ख्याल रखना होगा और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप दिन को बहुत ही सुखद बनाएगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का 75% अंक देता है। कुंभ राशि,
मन में चल रही निराशा आज समाप्त तो होने वाली है। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होने जा रहा है और धन कमाने की दिशा में जो प्रयास किया है वह भी सार्थक होने जा रहा है। बिना सोचे किसी कागज पर आज दस्तखत न करिएगा। गरीबों में अन्न का दान दिन को और चमत्कारिक बनाएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। और आइए कार्यक्रम में अब आचार्य जी कुंडली के पंचम से अष्टम भाव में लगने वाले ग्रहण योग के बारे में बताइए और उससे बचने वाले महामंत्र क्या हैं ये भी बताएं। पंचम भाव में ग्रहण योग का पाया जाना जीवन को नरक बना देता है। शिक्षा में रुकावट, संतान सुख में बाधा, धन कमाने में बेहद संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाला। इससे बचने के लिए नियमित भगवान सूर्य को जल दें तथा शनिवार को तांबे के बर्तन में गेहूं, तिल तथा जौ को लेकर 3 बार बोलें ओम राहवे समर्पयामि और बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, निश्चित लाभ होगा। यदि छठे भाव में आपके ग्रहण योग है तो बहुत चिंता न करिए, यह बड़ा कष्टकारी परिणाम नहीं देगा लेकिन जीवन में अधिक उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। दमनकारी प्रवृत्ति हर कीमत पर आपको छोड़नी होगी अन्यथा अचानक आपका सब कुछ यह नष्ट कर सकता है। इससे बचाव के लिए सायंकाल ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रंग सहरावे नमः मंत्र का जप अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि सप्तम भाव में ग्रहण योग बन रहा है तो यह भी अत्यंत विनाशकारी परिणाम प्रदान करता है। विवाह में अत्यंत समस्या, विवाह होने नहीं देगा, होगा तो दाम्पत्य चलने नहीं देगा, संतान होने में विलंब कराएगा। यदि कहीं किसी साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से घाटा देता है। इस समस्या से बचने के लिए प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें तथा सायंकाल भैरवाष्टक का 1 पाठ करें, चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेगा। यदि अष्टम भाव में ग्रहण योग बन रहा है तो यह भी अत्यंत विषैला परिणाम प्रदान करता है। शारीरिक अस्वस्थता, बार बार विफलता, आर्थिक दुर्बलता, रोजी रोजगार में दिक्कत, नौकरी का बार बार छूटना बहुतों समस्याओं को जन्म देता है। बचाव के लिए क्या करें, प्रत्येक शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर दर्शन करें तथा कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 3 माला अवश्य जप करें। तो आगे कार्यक्रम में हम कुंडली में लगने वाले ग्रहण के उपाय भी जानेंगे लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष सिंह और धनु राशि के जातकों की, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि, आज अपने कार्य हेतु आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। विवाह के अवरोध लेकिन निश्चित आज समाप्त होंगे। अपना वादा किसी से भी जो किया है जरूर निभाइएगा। तांबे के पात्र में अन्न का दान करें, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, तुला का चंद्रमा व्यर्थ की भागदौड़ कराएगा लेकिन सायंकाल के बाद अपनों का अच्छा सहयोग भी दिलाएगा। यात्रा में सावधानी रखनी होगी अन्यथा हानि हो जाएगी। भगवान सूर्य के द्वादश नाम को जपकर घर से निकलिए, दिन बहुत बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। धनु राशि, लाभ के घर में गया हुआ चंद्रमा आज आपका महत्वपूर्ण कार्य कराएगा और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग भी दिलाएगा। आज बातचीत में समय नष्ट न करिए। आज के दिन भगवान रुद्र को दूध का अभिषेक करने से दिन के सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ग्रहण योग नवम से लेकर ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 1 माला जप करिए, निश्चय ही लाभ होगा। यदि दशम भाव में ग्रहण योग अर्थात सूर्य एवं राहु का योग हो तो रोजी रोजगार में बहुत अधिक समस्या आ सकती है। जीवन में अधिक उतार चढ़ाव, पिता से वैचारिक समानता का अभाव,
पैतृक संपदा प्राप्त होने में बहुत समस्या, अचानक अर्श से फर्श तक की यात्रा भी यह ग्रहण कराता है। इसे बचाव के लिए क्या करें, प्रतिदिन बटुक भैरवाष्टक का पाठ करें तथा काले कुत्ते को मीठा रोटी खिलाइए, अद्भुत लाभ होगा। एकादश भाव अर्थात लाभ के घर में यदि ग्रहण का योग हो तो इस स्थिति में बड़े भाई से सदैव मतभेद, हृदय के रोग, शिक्षा में रुकावट जैसी समस्याओं के होने का पूरा योग बनता है। इससे बचाव के लिए क्या करें, प्रत्येक सोमवार व्रत रहते हुए भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें तथा सायंकाल ओम ह्रों जुं स मंत्र का जप करिए, निश्चय ही मुक्ति मिलेगी आपको। यदि द्वादश भाव में सूर्य और राहु ग्रहण योग बना रहे हो तो यह जीवन में विपत्तियों का सागर प्रदान करते हैं, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे पारिवारिक पक्ष हो, अनेक प्रकार के जैसे अनिद्रा, बेचैनी, जेल यात्रा, दाम्पत्य सुखहीनता बहुत सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना होगा, सायंकाल ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रंग सह रावे नमः का 3 माला जप करिए, निश्चय ही यह दोष समाप्त हो। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों का हाल, यानी कि बात वृषभ कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि चंद्रमा के रोग के घर में रहने के कारण थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में पूरा लाभ दिखाई देगा। आज आपको लाल मसूर का दान दिन को बहुत सुखद बिताएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। कन्या राशि भाग्य भाव में उच्च का शुक्र तथा धन का भाव चंद्रमा सभी प्रकार से लाभकारी परिणाम प्रदान कराएगा। अति उत्साह में जोखिम भरे कार्य से आपको बचना होगा। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान देकर दिन के सभी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 85%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। मकर राशि लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज पूरा होने जा रहा है। संतान की प्रगति से घर में आनंद की स्थिति बनेगी। आलस्य बिल्कुल आज न करिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइएगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा। तो कार्यक्रम में आगे हम योगनी सोनम से ऑटो इम्यून रोग से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज जन्म लेने के कारण आपका मूलांक 3 है या बर्थ नंबर 3 है, जिसका अधिपति ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति के संचालन के कारण इस वर्ष में आपको लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यद्यपि वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु नामक ग्रह करता है, जिसे बृहस्पति के बहुत अच्छे संबंध नहीं कहे जाते, लेकिन पूरे वर्ष को यदि आप सफलता के मापदंड पर तौलेंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा की केतु के संचालन के कारण थोड़ा सा वर्ष में परिणाम बेहतर तो मिलेगा, लेकिन प्रारंभ में अत्यंत मंद गति से लाभ की स्थिति बनेगी। पूरे वर्ष को सुखद बनाने के लिए यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप कर सके तो वर्ष चमत्कारिक फायदा प्रदान करेगा। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर कई बातें जरूर कही जाती हैं, लेकिन ऑटो इम्यून रोग से कैसे आप निजात पाएंगे, इसका योग मंत्र जानते हैं योगनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बात करेंगे। जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। बाहरी खतरों से बचने के लिए जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, लेकिन ऑटोइम्यून कंडीशन में यही एंटीबॉडीज हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर अटैक करने लगती हैं। अक्सर देखा गया है खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान,
या फिर एक्सरसाइज या योगासन ना करने से ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा तो होगा ही, साथ ही साथ आपको इन परिस्थितियों से दूर भी रखेगा। वीरभद्र आसना, सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को जमीन पर पंजों के बगल में रख दें। सांस लेते हुए दोनों घुटनों को मोड़ें और अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और 4 से 5 सेकंड इसी आसन में बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए और दाएं पंजे को इस तरह मोड़ लें और दोनों हाथों को अपने कंधों की बराबरी में सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह ये आसना हम बाईं तरफ से दोहराएंगे। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। भुजंगासना, सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ आएं, दोनों घुटनों को एक एक करके सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए जमीन पर लेट जाएं। अपने दोनों कंधों को घुमाते हुए सांस लेते हुए अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं। कम से कम 20 से 30 सेकंड इस आसना में बने रहें और सांस छोड़ते हुए आपके शरीर के ऊपरी भाग को धीरे धीरे जमीन पर वापस ले आएं और फिर हाथों का सहारा लेते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को रिपीट करें। ये दोनों ही आसना आपके इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाने में काफी हद तक मदद करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वप्न शास्त्र की, तो स्वप्न शास्त्र में क्या है आज खास? जी, यदि आप स्वप्न में दरवाजा बंद होते हुए देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? यदि स्वप्न में आप अपने दरवाजा बंद करते हुए देखे हैं, खुद को या किसी अन्य के द्वारा दरवाजा बंद करते हुए देखे हैं, तो यह निकट भविष्य में किसी संकट की सूचना अथवा प्रगति के रुक जाने का संकेत देता है। और आचार्य जी, अब हमारे दर्शक इंतजार सफल बना सकते हैं, तो क्या है आज का महा उपाय? जी, यदि आपको बार बार बुखार होता हो या बहुत जल्द मौसम परिवर्तन का असर होता हो, तो आप नवोदित सूर्य किरणों को जल देने के बाद लाल कपड़े में 1.25 या 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ले लें और अपने चेहरे पर 3 बार औंछ लें या घुमा लें और बहती नदी में प्रवाहित कर दें। निश्चित रूप से वेदर प्रोन डिजीजेस से आप बचे रहें। तो आज हमने आचार्य जी से जो खास उपाय जाने हैं, उन उपायों को अपनाएं, अपने दिन को सफल बनाएं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।